गरीब परिवार का शुभम कृष्ण पहुंचा आईआईटी खड़गपुर। मेरा प्रिय स्टूडेंट शुभम कृष्ण, जो दरभंगा के रहने वाले हैं, आज उसके यहाँ गुरु पूर्णिमा के दिन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके माता पिता के आंखों के आंसू यह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे कि ये आंसू खुशियों के आंसू हैं। रोना नहीं है भाई, रोना नहीं है, ये सब खुशी के पल है सर, हाँ सब खुशी के पल है। और ये जो आंसू है, ये 2022 से 24 कैसे आ गया पता चला? 2022 में लग रहा था कि कितना संघर्ष चल रहा है, बहुत 24 में बहुत अभी भी संघर्ष है, लेकिन ये लग रहा है कि संघर्ष संघर्ष दूर हो चुका है। और ईश्वर जो है सब देखते हैं और सबको फल देते हैं। पहले अपना मम्मी को घर बना दे, मम्मी का घर नहीं शुभम है, जल्दी घर बनाएगा। घर और नहीं है, जिस घर जिस रैंक के साथ ये जा रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में आपका घर होगा। जब तक हम जीवित हैं तो घर घर करते चले जाएंगे, कौन घर लेके जाए। ये सबसे बड़ी चीज है कि ये सब जो है आपको लगा कि समय बीतते देर लगा, तो देर नहीं लगा, और आप कैसे बोल रही है कि जो जो कुछ लोग परिचित लोग इग्नोर कर रहे थे और वो लोग भी अब सम्मान देने लगे, तो हाँ ये तो सम्मान है। मिलने का समय आ गया दोबारा से फिर आप है। मौका आते देंगे रहिएगा, एकदम एकदम आज, इस लगाइएगा। बार तो बस ऐसे ही उसके मिथिला का खाना। ये ये मेरा चीज बनाया है। हुआ पेंटिंग अच्छा, जो गिफ्ट लीजिए। ये तो एक ग्रामीण प्रेसिंग। थीम है, जो अच्छा, उखली में दो लोग धान कूट रहे हैं। ठीक है, ये शुभम की जो माता जी है, मधुबनी पेंटिंग जो बिहार की मशहूर पेंटिंग जो है, आप देखते होंगे कि विश्व स्तर पर इसके जो छाप है, तो इनकी माता जी के द्वारा खुद बनाया हुआ ये है। और आज शुभम के यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और सबसे खुशी की बात है कि आज गुरु पूर्णिमा भी है। हम लोग शुभम के माता जी, पिताजी और फैमिली से हम लोग बात करेंगे। ये बताइए कि जब JEE एडवांस का रिजल्ट आया था, तो उस दिन के फीलिंग के बारे में बताइए, जिस दिन आपको मतलब जानकारी हुआ कि शुभम में इतने अच्छे रैंक के साथ देश के टॉप IIT में पढ़ने जा रहा है, तो उस दिन का आपका फीलिंग क्या रहा? और उस एक साथ दो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद बहुत सारे दोस्त मित्र रिलेटिव को भी मालूम चला होगा, तो उस दिन का अपना एक अनुभव बताइए कि कैसा आपको फील हुआ? अचानक से पता चला कि हाँ शुभम का आज, वो बताया कि हाँ ये रैंक क्यों, तो रैंक क्यों, जब ये बताया कि हाँ ये कॉलेज मिलेगा और ये इसमें हम ऐसे जा सकते हैं, तो मेरा तो यकीन ही नहीं होता और खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन मेरे जो दूर के रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड जो हमारे साथ आर्टिस्ट लोग काम करे, सबका फोन जो है आना शुरू हो गया, और सब जो है इतना खुश था, जो बहुत बरसों पहले जो हम लोग से बिल्कुल साइड हो गए थे, जो हमारी स्थिति उसको देखे, उस सब इसको लेके जो है सब जुड़ गए और वो लोग भी काफ़ी खुश थे। और तब लगा कि हाँ ये जो इसका रिजल्ट और जो कामयाबी है, तो एक तरह से जोड़ने का काम किया, जो बिखर गया था उस सब जुड़ गया। अभी इसी से समझ लीजिए इसका रिजल्ट का खुशी का ठिकाना कितना गुना बढ़ गया देखिए इसके। दोस्तों, कहा जाता है ना कि सफलता के बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन विषम परिस्थिति में जो आपके साथ खड़े थे, उनको तो कभी जीवन में नहीं भूलना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। जी लेकिन सफलता के बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, उनका वेलकम करना है। उनको कोई भी आपके पीछे पुराने दर्द भी होंगे, लेकिन फिर भी है कि उसको भूलकर जब हर कोई आपको यदि बधाई दे रहा है, तो उसको स्वीकार करना है वो बधाई को। वो बधाई कहीं ना कहीं आपके बच्चे पर दुआ बनकर जी ही आशीर्वाद ही देगा। वो रिजल्ट का एक लंबा समय बीत गया है, अब तो कॉलेज जाने वाला है। जिस दिन रिजल्ट आया था, और अप्रोक्स 1 मंथ हो चुके होंगे, 1 मंथ का जो अंतर हुआ, तो उस समय का अनुभव और अभी के जो क्षण है, अब क्या लग रहा है? अभी तक इनके जो रिश्तेदार, हमारे जो रिश्तेदार अभी तक फोन कर रहे हैं किस कॉलेज में जा रहा है, क्या सब्जेक्ट ले रहा है। अभी तक जो इनके भैया लोग हैं, जो फूफा का बेटा है या चाचा का, जो भी है, सबका पूछताछ जारी है, क्या कर रहा है। इसको लेके, रिजल्ट को लेके सब बहुत ही एक्साइटेड है और प्रसन्न भी है कि हाँ मेरे गाँव में, मतलब मेरे मायके में, मेरे ससुराल में कोई भी बच्चा इसके जैसा
अभी तक नहीं हुआ है, तो ये एक बहुत ही गर्व, इसके भैया लोग काफी प्रयास किए हैं लेकिन नहीं। देखिए अपने रिलेशन में जैसा ये लोग बता रहे हैं कि दूर दूर तक ये पहला IITian है, तो ये तो और गर्वान्वित करता है ये चीजें। एक ऐसा भावुक पल होता है कि बच्चे के सबसे अधिक करीबी और सबसे प्यार देने वाला माना जाता है तो उसके दादा दादी नाना नानी, तो शुभम के नानी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो पहले तो आपको प्रणाम है, और आप बताइए शुभम के इस सफलता पर। हम लोग तो एक गुरु के रूप में, मैं तो अपने को शिक्षक इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं पूरे जीवन मैं मैथमेटिक्स का अपने को स्टूडेंट कहलाना ही पसंद करता हूँ, क्योंकि इससे पूरे जो वर्ल्ड है, हमको लगता है कि इस पूरे वर्ल्ड का डेसिमल में मैं मैथमेटिक्स जानता हूँ। उसमें एक प्रक्रिया है कि मुझे IIT के सिलेबस को पढ़ाना है, दिन रात पढ़ाना है, तो उसमें प्रयास रहता है कि जो आपके पास ज्ञान है उसको बच्चों को दिया जाए। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि ज्ञान का आदान प्रदान सामूहिक ही होता है, तो जितने अच्छे बच्चे मिलते हैं तो इसमें कहने में कोई छोटा मन नहीं है। ये गर्व से मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे नॉलेज अच्छे बच्चे को पढ़ाकर टीचर को भी सीखने को मिलता है, और ये लगातार 10 साल से मुझे ऐसा अनुभव प्राप्त हुआ कि जितने अच्छे बच्चे मिलते जाते हैं तो टीचर का नॉलेज भी ग्रोथ होता है, तो हम लोग भी बहुत प्रसन्न हैं। आपको कितना खुशी हुआ शुभम की सफलता से? पता नहीं सकते हैं कितना खुशी हुआ है, हम विश्वास नहीं करते थे कि शुभम को निकल जाएगा। तो शुभम को तो आप लोगों को जानकारी होता होगा, हम बीच बीच में डांटते थे, बोलते थे, तो आपको लोगों को बताता होगा तो मन छोटा होता होगा कि सर क्यों डांट रहे हैं। नहीं, उसकी मम्मी हम तो बोलते थे कि तुम्हारी माँ ठीक कह रहे, वो खुद जानता है कि माँ से बढ़ के गुरु होते हैं, तुम तो उन्हीं के हो, वो अच्छा तुम्हारे भविष्य में क्या है उनसे अनेक तुमको ज्यादा नहीं है, वो जो करते हैं अच्छा करते हैं। शुभम का घंटा दो घंटा बैठकर बहुत शिक्षा दे। अच्छा लगा शुभम मिलकर, और मैं बहुत ही कम बच्चों से जो है मैं गले मिलता हूँ, तो मैं तुमसे आज गले मिलूंगा। अरे वाह, बहुत बहुत मतलब ये मेरे दिल के करीब है। अरे मैं जैसा अंदर हूँ वैसा बाहर हूँ, कंप्लीट खुली किताब हूँ। मुझे यह नहीं फील होता है कि सामने वाले को क्या सोचेगा, लेकिन ये जरूर फील होता है कुछ साल बीतेगा तो उसको लगेगा कि नहीं ये सही बोले थे। ये अपने जूनियर के लिए भी सोचता है कि भाई उसका टेस्ट ले लिया जाए, वो भी अच्छा कर जाए। तो जब कम उम्र में किसी दूसरे के भलाई के लिए जिसमें सोच होता है, तो जान जाइए कि भविष्य में जरूर है कि वो हर किसी के लिए नेक ही सोचेगा। तो ऐसा कम उम्र में ये संस्कार आया है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है कि बहुत ही कम उम्र में नेक सोच बहुत कम हुआ था। सबको मतलब होता है कि मेरा लाइफ बन गया ना, मेरा हो गया, बस मेरा बंगला गाड़ी ये सब हो जाएगा। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं कि समाज से जो कुछ मिलता है तो अपने कुछ हिस्सा को समाज में लौटाते भी हैं, और भविष्य में ऐसा लगेगा कि शुभम जो है कभी ना कभी किसी रूप में समाज को लौटाएगा, जहां भी रहेगा। गुरु की वजह से शिष्य जो है निखरता है, और इसके निखार में कंप्लीट आप लोग कहा था आपका, वो तो मान लीजिए कि हाँ, हम लोगों को वही काम ही करना गुरु है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा रहता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इसने हम लोगों का इज्जत मान सम्मान को ही बढ़ाया है। और जब बच्चे इज्जत बढ़ाते हैं मेहनत, तो मान लीजिए कि मैं ऐसा हमेशा कहता हूं, और इसके लिए जिगरा भी चाहिए, कि आज के आधुनिक कोचिंग व्यवस्था में जब बच्चे का रिजल्ट आते हैं तो लगता है कि कोचिंग व्यवस्था वाहवाही लेने लगता है। मैं ऐसा बोलता हूं कि बेटा तुम नर्सरी 1, 2, 3 के टीचर को मिठाई लेकर जरूर जाना, 5 के टीचर, 7, 8 जो भी है, क्योंकि जहां पर बच्चे 2 साल पढ़ते हैं लगता है कि वहीं पर भौकालबाजी चालू हो जाता है। अरे भैया 1 क्लास के टीचर कहां चले गए, नर्सरी के टीचर ठीक है, IIT के लिए हम लोग पढ़ा रहे थे, लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो पहली बार तुमको हाथ पकड़ के लिखना सिखाया होगा। कभी भी किसी को भूलना नहीं चाहिए, और हमको लगता है कि जितने मेरे बच्चे हैं उन लोगों से मिलते हैं उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। जीवन में आशीर्वाद सबका लेना चाहिए, वो आशीर्वाद का जो कलेक्शन होता है वो बैंक में रखे पैसा से बहुत अधिक होता है, और वो जो आशीर्वाद जो पूंजी होता है पता नहीं चलता है, लेकिन कई कई वर्षों के बाद वो रिटर्न आपको किस रूप में मिल जाएगा
वो पता नहीं चलता है। रोना नहीं है भाई, रोना नहीं है, ये सब खुशी के पल है सर, सब खुशी के पल है। और ये जो आंसू है ये 2022 से 24 कैसे आ गया पता चला? 2022 में लग रहा था कि कितना संघर्ष चल रहा है, 24 में अभी भी संघर्ष है। और ईश्वर जो है सब देखते हैं और सबको फल देते हैं, और बहुत जल्दी चीजें बदल चुका है। मैं हम लोग तो मैंने देख रहे हैं जहाँ ये पहुंच रहा है, बदल चुका है बहुत सारी। पहले अपना मम्मी को घर बना, नहीं नहीं, अरे मम्मी का, मम्मी का शुभम जल्दी घर बनाएगा। और जिस रैंक के साथ ये जा रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में आपका घर होगा। हम लोग बहुत सारे IITian को देख रहे हैं जो करोड़ों करोड़ों के प्लेसमेंट पर है। ऐसा भी भविष्य में हो सकता है कि खुद की इसकी कंपनी हो और कई हजार लोगों को नौकरी दिया है, ऐसा भी हो सकता है। जब तक हम जीवित हैं तो घर घर करते चले जाएंगे, कौन घर लेके जाए। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि ये सब जो है आपको लगा कि समय बीतते देर लगा, तो देर नहीं लगा। और आप कैसे बोल रही है कि जो जो कुछ लोग परिचित लोग इग्नोर कर रहे थे और वो लोग भी अब सम्मान देने लगे, तो सम्मान मिलने का समय आ गया है। और उसके लिए कैसे सर ने बताया कि 254 रैंक लाना कि अपने आप में एक कीर्तिमान। 10 वर्षों के हम लोग के कम्युनिटी के हिस्ट्री को हमने देखा, IITian तो हुए लेकिन वो रैंक नहीं आया जो इसका आया। और ये भी बता रहे हैं कि जो भविष्य में ये अभी आगे करेगा, क्योंकि ये सब क्या है ना, ये सब तपे, जो बच्चे तपे रहते हैं ना वो बहुत कमाल करते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का, और खाना बहुत अच्छा रहा। दोबारा से फिर आप फिर आते रहेंगे? नहीं एकदम एकदम लगाएंगे, इस बार तो बस ऐसे ही उसके मिथिला का खाना। अरे एकदम मिथिला वाले में आपको पूरा खाना, रात से हम खाली पेट आएंगे। खाली पेट आइएगा, नाश्ता खाना सब यही होगा।